जय जनन ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं रवि जैन चुनगी आज दिगंबर जैन अटा मंदिर वीर सावरकर चौक में आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में एक शिविर जिसमें युवाओं को सोपान आयाम आध्यात्मिक संस्कार शिक्षा का संगम जैन युवा सेमिनार शिविर के माध्यम से हो रहा है, जिसका आज शुभारम्भ हुआ। इस शुभारम्भ सत्र वेला में माननीय पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग का पदार्पण हुआ और दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत यह आयोजन हमारे श्रावण श्री संघ के माध्यम से हो रहा है। उनके हमारे कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने इस आयोजन को अपना आधार बनाया, आयाम बनाया और लगभग 400 युवा युक्तियाँ इस शिविर में सहभागिता का निर्वहन कर रहे हैं, जो गुरुदेव के एवं बाहर से पधारे हुए प्रोफेसर विद्वान इनके माध्यम से संस्कार और शिक्षा का समावेश करेंगे। शिविर क्यों लगाया गया है, क्या आवश्यकता पड़ी इस भौतिक परिवेश में, इस शिविर का औचित्य क्या है, महत्व क्या है, इस संदर्भ में इस संगठन के युवा साथी और उनके माध्यम से हम जानेंगे, बताएं क्या है शिविर की महत्वता। जैसा कि आपने देखा अभी 3 दिन का त्रिविध दिवसीय जैन युवा संस्कार संवर्धन शिविर जो लग रहा है आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी के सानिध्य में ललित पुर में लग रहा है, जिसमें जो युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन करने के लिए कि वर्तमान में परिवेश में जो वेशभूषा है और जो संस्कृति को युवा वर्ग खोता जा रहा है, उस युवा वर्ग को जागृत करने के लिए जगह जगह से विद्वान के माध्यम से और आचार्य श्री जी के संरक्षण में विभिन्न उसको आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन किया है, जिसमें बताया गया है कि चिंता नहीं चिंतन करो। आज के समय में व्यक्ति चिंता में इतना ज़्यादा खो जाता है और डिप्रेशन में आकर कुछ भी करने लगता है। दूसरा ये शिविर का जो मूल उद्देश्य है, इसमें कई विषय प्रतिदिन हैं, सुबह 8:30 बजे से और दोपहर में 2 बजे से, दोनों टाइम में जो विषय आचार्य श्री के सानिध्य में होंगे। आज का विषय चिंता नहीं चिंतन करें। आज का परिवेश लौकिक एवं भौतिक एवं लौकिक जो चकाचौंध है, इसमें तनावग्रस्त होना, चिंता करना एक आयाम, एक मुश्किल काम नहीं, सरल हो गया है। ऐसे में चिंतन एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को बड़े ही मौलिक और आधुनिक तरीके से समझा रहे हैं आचार्य श्री। उसी सभी विषय को लेकर खास तौर से आज जो शिविर का शुभारम्भ हुआ है और समापन 8 तारीख को होगा, इस बीच में अनेक ऐसे मुकाम सुनने और देखने को ललितपुर की युवा पीढ़ी को मिलेंगे, क्योंकि इस शिविर में 15 साल से 35 साल के युवा युक्तियों को मुकाम दिया गया है। सभी ने इस शिविर में सहभागिता की है, धवल वस्त्र पहनकर और एक किट के माध्यम से शिविर में प्रवेश करते हैं। उल्लास उत्साह के साथ इस शिविर का जो आयाम देखने को समापन पर मिलेगा, आप ललितपुर लाइव टीवी में बने रहिए। आप शुभारंभ से समापन के बीच की झलकियां और जानकारियां पाते रहेंगे ललितपुर लाइव टीवी से। मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। परसेंटेज कम है, 100% नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। हमारी भारतीय संस्कृति यह सिखाती है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परम आवश्यक है जीवन में उन्नति करने के लिए। आप इंटेलिजेंट होंगे, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, आने वाले दिनों में आप जो भी आपने लक्ष्य तय किया होगा, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, IAS IPS बनने का, जो भी साइंटिस्ट बनने का, वहाँ पे आप पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पहुँचाने में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। हम युवा कहीं ना कहीं से इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं कि जो हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद देने वाले स्रोत हैं, हमारे माँ बाप, हमारे नाना नानी, उनके साथ समय हम लोग नहीं देते। कभी 10 मिनट उनके पास बैठिए, मात्र उनके पास बैठने से आपको जो आशीष मिलेगी, जो आशीर्वाद मिलेगा, उनके हृदय में जो प्रसन्नता आएगी, वो आपको कहीं से कहीं पहुँचाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में जैन पंचायत समिति ललितपुर के सहयोग से जैन अटा मंदिर जी में बच्चों को, युवाओं को, किशोरों के लिए आध्यात्मिक एवं अद्वितीय संस्कारों का संकनाद सेमिनार के माध्यम से हो रहा है। जैन युवा सेमिनार जो आज इस 6 अक्टूबर को उसका शुभारम्भ हुआ है, आचार्य श्री विनिश्चल सागर जी ने मंगल आशीर्वाद उपदेश देकर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करवाया है। ये 8 तारीख तक इसका अनवरत सुबह एवं दोपहर में कक्षाओं के माध्यम से, इसमें आयोजन में जो बाहर से आए हुए प्रोफेसर विद्वान हैं, जो विभिन्न
विधा से पारंगत हैं, दक्षता रखते हैं, उनके ज्ञान उपदेश मिलेंगे। तो वहीं सभी उपदेशों का समावेश संगम के रूप में आचार्य श्री देंगे। आज हमारे बीच में आचार्य श्री विनय क्षीरसागर जी हैं, इनका उपकार कहें या इनका वरदान कहें या इनकी कृपा कहें, जो युवाओं में अंदर एक संचार इस भौतिक युग में पहुंच रहा है उसको पूरी तरह से क्षय करते हुए अपनी सद्भावना का उपदेश वो दे रहे हैं, तो हम उनसे ही आशीर्वाद रूपी वचन सुनते हैं आचार्य श्री विनय क्षीरसागर जी से। वर्तमान में गुरुदेव, जो भौतिकता के अंतर्गत मोबाइल की क्रांति है, आधुनिकता की तकनीकी क्रांति है, ऐसे में इस ऐसे शिविर का महत्व कितना उचित रह जाता है? देखो, ऐसा है कि सुधार की कोशिश की जाती है और किसी भी चीज़ की कोशिश करने पर कुछ ना कुछ सफलता तो मिलती है। तो अच्छाई तो ये कहती है कि प्रयास हमेशा सुधार का करते रहना चाहिए। अब रही वर्तमान में भौतिक युग की और भौतिक साधनों की, जैसे आपने कहा मोबाइल की क्रांति है, हमें पता है कि इससे लोगों को, युवाओं को दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपन प्रयास करके उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में बैठा सकते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो और ये तुम्हारे लिए संपूर्ण रूप से अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज दिमाग में बैठी हुई बात शायद कल, परसों, आगामी काल में समझ में आ जाए और कम से कम पूर्ण रूप से उसे ना छोड़ें तो कम से कम उपयोग करना वो प्रारंभ कर दें। इसलिए हमें प्रयास तो निरंतर करते ही रहना चाहिए और प्रयास का फल सुधार के रूप में कुछ ना कुछ तो सामने आता है। गुरु जी, इस शिविर के माध्यम से जो युवाओं में विसंगतियाँ समावेश कर चुकी हैं किसी भी विकृत आदतों के अंतर्गत, तो इस शिविर में सुधार के अंतर्गत कुछ आएगा ऐसा कुछ? हाँ, इसलिए तो इसका आयोजन किया गया है कि वर्तमान भौतिक युग में जो युवा वर्ग है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, वह भौतिकता से प्रभावित होकर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इनको उसी बात को समझाना है, जताना है कि जो भी हम करें अपनी मर्यादा में रह के करें, परंपरा में रह के करें, संस्कृति में रह के करें, उससे बाहर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे घर, परिवार और समाज को नीचा देखना पड़े, उसी सुधार के लिए इसका आयोजन है। गुरु जी, इस शिविर में आपके अपने गृहस्थ अवस्था के अनुभव संस्करण भी विद्वानों के द्वारा सुनाए जाते हैं, तो इस प्रेरणा से युवाओं को जो प्रेरणा मिलती है वो बड़ी प्रफुल्लित होते हैं, तो ऐसे में आप कुछ युवाओं को विशेष संदेश एक मार्गदर्शन के रूप में? हाँ, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन में अच्छाइयाँ थीं, उन अच्छाइयों को समझकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभव से प्रेरणा मिलती है और दूसरे के जीवन की वह घटनाएँ जो अच्छी थीं या अच्छा कार्य कर गईं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा युवाओं को दे सकती हैं। इसलिए चाहे शिक्षक हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी हो जो भी युवाओं को समझा रहा है, उन्हें महापुरुषों के उदाहरण के द्वारा उनके मन मस्तिष्क को ऐसा तैयार करना चाहिए ताकि वो अच्छाइयों को स्वीकार करना स्वीकार कर लें। आचार्य विनय क्षीरसागर जी ने जो उपदेश, जो विचार हम सब के बीच में दिए हैं, पथरिया मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक युवा जिसे अरुण कहते थे, उस अरुण युवा ने जनश्री दीक्षा आचार्य विराग सागर जी से लेकर आज आध्यात्मिक की यात्रा में अपनी यात्रा समावेश कर दी है। उस यात्रा में अनेक ऐसे यात्री हैं, सहयात्री हैं, जो उस यात्रा को सम्मिलित होकर आनंद की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। यकीनन जैन युवा सेमिनार शिविर इस यात्रा का ऐसा संगम समावेश करेगा कि ललितपुर के इतिहास के आईने में एक अक्षर, एक व्यवस्था, एक प्रयास, एक पहल आध्यात्मिक के रूप में इस शिविर को सोपान देगी, नया क्रांति देगी। आज इस आयोजन में माननीय पुलिस अधीक्षक और भी अधिकारी पधारे, सभी ने इसका आनंद और इसका सोपान किया। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी में और हमारे साथ जो शिविरार्थी हैं जिन्होंने इस शिविर में अध्ययन किया, अर्जन किया और अर्जन करने के लिए वो अपने आप में आचार्य श्री के समक्ष उनके चरणों में हैं और उनसे ही हम कुछ शब्द पूछेंगे। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी। जैन युवा संगठन के माध्यम से, जैन युवा संस्कार शिविर सेमिनार के माध्यम से जो शुभारंभ हो चुका है 6 अक्टूबर से जैनाटा मंदिर जी में, इसमें जो इस शिविर में पार्टिसिपेट भाग ले चुके हैं उसमें बीएससी, बीए जैसी शिक्षा, लौकिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक ऐसे छात्र हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि इस आधुनिकता के तौर में उन्हें आध्यात्मिक की यात्रा में शिविर में भर्ती होकर, शिविर में सम्मिलित होकर उन्हें क्या अनुभव महसूस हो रहे हैं, चलो हम उनसे ही बात करते हैं, बताएं। हमारे नगर में विराजमान अटा मंदिर जी में उपस्थित आचे श्री विनिश्चय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में शिविर लगाया हुआ गया है
उसमें वैसे बच्चों को धर्म के रास्ते पे एवं लौकिक शिक्षा के माध्यम से एवं संस्कारों के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप लोग संस्कारों से जुड़ें एवं सारी शिक्षाओं का अनुभव लें एवं गुरु जी ने ये बताया हुआ है कि हमें अर्थ काम भेष धर्म सबसे जुड़ के रहना चाहिए और हमें सारी शिक्षाएँ एक साथ सभी चीज़ों को एक नियम अनुसार पालन करना चाहिए। आपने क्या अनुभव किया बेटा? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर शिविर में, और हम लोग तो चाहते हैं कि ये 3 दिन का शिविर नहीं और ज़्यादा होता काश, लेकिन 3 दिन में हम लोग बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा हम लोग को, और इससे हम लोग को बहुत खुशी है। आप कौन सी क्लास कर चुकी हैं और शिविर में आने का उद्देश्य होता है? मैं BEd कर चुकी हूँ और इधर आकर मुझे बहुत अच्छी बात ये मिली कि अपनी ऊर्जा के लिए सही जगह लगाएं और जिन लोगों ने आप पर उपकार किया है उन उपकारों की हमेशा अनुभूति करें और आगे बढ़ें। क्या है कि भौतिकता की चकाचौंध में हमारा युवा वर्ग भी भ्रमित हो रहा है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, उसके साथ साथ संस्कार, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म को बचाना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपने वस्त्र विन्यास पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें भी बहुत चिंतनीय और सोचनीय है। तो आचार्य गुरुवर ने एक उद्देश्य उठाया, ये उनकी ही महती कृपा है कि उन्होंने इतनी सारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में से इन बच्चों को बुलाया, इनकी कॉलेज की बिजी लाइफ को थोड़ा सा अलग किया, छुट्टी के दिन चुने और फिर उन्होंने ये सब रखा समाज के सामने कि हम आपके बच्चों को यदि संस्कारित करते हैं तो सैकड़ों पीढ़ियां संस्कारवान हो जाएंगी। ललितपुर लाइव TV ने आपको शिविर और संस्कार के बारे में बताया। संस्कार के बारे में चर्चाएं होती हैं, संस्कार के बारे में सेमिनार होते हैं, संस्कार के बारे में गोष्ठियाँ होती हैं और संस्कार के बारे में अनेक प्रकार के विद्वानों के, मुनि और ऋषियों के उपदेश होते हैं, लेकिन यकीनन संस्कार वो व्यवस्था है, संस्कार वो पदार्पण है, संस्कार वो मंत्र है, संस्कार वो तंत्र है जिसको आत्मसात किए बिना, बिना गुरु के, बिना जिनेन्द्र भगवान की अर्चना या उनके सानिध्य को लिए बिना हम संस्कार का शंखनाद या संस्कार का समावेश मानव जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसी संस्कार को समावेश करने के लिए, अपने जीवन को संगममय बनाने के लिए जैन युवा सेमिनार शिविर का आज शुभारम्भ हुआ और इस शिविर में आचार्य श्री और अनेक बाहर के विद्वानों ने अपने विचार उपदेश दिए। सभी युवा इससे प्रफुल्लित हैं और जैन युवा संगठन जो इसको कर रहा है आयोजन को, वह पूरी तरह से तत्पर है शिविर के उपलब्धि और उत्साहपूर्वक कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए। ललितपुर लाइव TV से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।